नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। और यहाँ पर ए सीज़ का दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन लेके आए हम लोग। 1-0 से ऑलरेडी आगे चल रही है इस समय ऑस्ट्रेलिया, और अगर इंग्लैंड यहाँ से हारती है ये टेस्ट मैच तो मेरे ख्याल से बाकी के तीन मैचों में से तीनों के तीन जीतना श्रेणी को जीतने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सीरीज़ को जीतने के लिए दो जीतना भी मुश्किल होगा बराबरी के लिए। तो देखना होगा इंग्लैंड किस तरह से इस मैच में खेलती है, हमारे गेम प्ले में, हमारे प्रिडिक्शन में किस तरह से खेलती है। 269 पे 9 विकेट खो चुकी थी, ख़राब कंडीशन में है पहले दिन, और देखते हैं आज के दिन क्या होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है, पहला जो दो सेशन है वो ऑटो प्ले में जाता है और 60 ओवर का पर डे है, तो देखना होगा किस तरह से खेलती है। अगर पिच की बात करें तो ग्रीन पिच रखी है, तो हो सकता है 269 भी ठीक ठाक विनिंग टोटल हो सकता है, क्योंकि चौथी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग में उतरना है, तो देखना होगा। मिच स्टार्क को हम लोग गेंदबाजी करा रहे हैं, 6 विकेट निकाल चुके हैं वो, और यहाँ पर डे 2 का सेशन 1 की शुरुआत कर रहे हैं। पहली गेंद इनकी बैल के खिलाफ, स्टुअर्ट ब्रॉड सामने की तरफ है, पहली गेंद को डिफेंस किया है, 270 का स्कोर पे लग चुका है सेशन, पूरा का पूरा सेशन हम लोग ऑटो प्ले करेंगे। अब 10 ओवर में आउट हो जाएगी, मुझे नहीं लगता है बच पाएगी। जी हाँ, तुरंत ही आउट हो गई, 2 ओवर के अंदर ही आउट हो गई है। 284 बनाए हैं, मोइन अली हाईएस्ट स्कोर रहे हैं, स्टॉनमैन की बढ़िया हाफ सेंचुरी, लेकिन उसके अलावा कोई और नहीं चला है। और ये दो इनिंग भी जो हैं वो बहुत ही छोटी छोटी इनिंग है, कोई बहुत बड़ी इनिंग नहीं है। मिच स्टार्क रहे हीरो, 6 विकेट निकाले, कमिंस को मिला 1, और यहाँ पर अब बैटिंग में उतरेगी टीम कमाल करने के लिए, और देखना होगा किस तरह से परफॉर्म करती है ऑस्ट्रेलियन टीम, जो कि हम बने हैं। अब 2 सेशन होने वाले हैं यहाँ पर, तो 3 ओवर लगभग हो चुके हैं, तो हम लोग देखते हैं ऑटो प्ले हमें हेल्पफुल रहता है कि नुकसान वाला रहता है। ऑटो प्ले तो करेंगे ही करेंगे हम लोग, क्योंकि नियम है। जो यहाँ पर पहला सेशन ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो मैं यहाँ पर अब रुकूंगा, यहाँ 10 ओवर करने के बाद रुकने वाला हूँ। यहाँ पे 40 ओवर का हो गया है, अब हम लोग बैटिंग करने उतरेंगे। 206 पे 5 लग चुका है, तेज गेंदबाज बॉलिंग में आए हैं, और यहाँ पे एक बहुत ही क्विक सिंगल लेने की कोशिश की, लेकिन बटन नहीं काम किया है। टीम पेन खेल रहे हैं, मैं आपको बताऊँ तो पिछले मैच में भी इन्होंने मैच विनिंग पारी खेली थी, आज फिर इनके पास मौका है मैच विनिंग पारी खेलने का, लेकिन यहाँ पर कैच आउट हो गए। हुक शॉट खेलने की कोशिश की थी, हुक शॉट खेलने के चक्कर में हुआ ये है कि फंस गए हैं, यहाँ पर कैच आउट हो गए टीम पेन। कप्तान यहाँ पर जेम्स एंडरसन, कैच बाय जेम्स एंडरसन, बोल्ड बाय जेम्स एंडरसन, ये क्या मजा आ गया भाई। अब हेड के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई, ये एक बहुत बड़ा बग मुझे मालूम पड़ा है इस गेम में। और बढ़िया गेंद एक्चुअली, अब दबाव में ऑस्ट्रेलिया आ गई है इस मैच में, हमें लगभग यहाँ पर 15 ओवर के जितना खेलना होगा, और जिस तरह से खेल रही है टीम, रन किस तरह से बनेंगे पता नहीं। 78 रन पीछे है ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर, और कम से कम एक प्लेयर को यहाँ पर टिकना होगा, चाहे वो हेड हो या तो स्टार्क हो, दूसरे प्लेयर को यहाँ पर उसका साथ देना होगा, सिंगल डबल लेकर या किसी भी तरह से ओवर सर्वाइव करना हो, या तो फिर कोई मैच की सिचुएशन जब टफ हो जाए तो वहाँ पर रन निकालना हो। पर पहली ओवर में जेम्स एंडरसन छटका दिया, स्लिप देखिए कितनी अजीब लग रही है, स्लिप बहुत ज़्यादा अजीब लग रही है यार, किस तरह से खड़े हैं दोनों, हेड से बहुत निकाय हैं, हेड के ऊपर एक्चुअली हेड ये के प्लेयर हैं जो यहाँ पे आप रन बना सकते हैं, बाकी सभी तो बॉलर्स हैं, अब उनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते। 2 रन लेंगे यहाँ पे, 15 ओवर का खेल बाकी है। जी हाँ, टोटल 17 ओवर का गेम प्ले हम लोग करने वाले हैं, 1 ओवर हो चुका है, 16वां ओवर चल रहा है यहाँ पे, पीछे की तरफ फिर से खेला है, सिंगल के अलावा ज़्यादा रन नहीं आएंगे। हेड वापस से बदल दिए स्ट्राइक, मिच स्टार्क को भेज दिया है, लेग साइड पूरा खाली है, बहुत ही ख़राब फील्डिंग सेटअप, अगर आपने गेंद दे दी इनको वापस भेजाएं, वापस भेजाएं, लेग साइड में बहुत बड़ा गैप है, अगर हेड होते यहाँ पे स्ट्राइक पे तो डेफिनेटली बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती इंग्लैंड की टीम। और ये डाइव लगाया है लेकिन कैच नहीं कर पाए हैं, लाजवाब एक्चुअली, अब मुझे समझ में आ गया ये तेज गेंदबाज ने क्या कोशिश की है इस तरह की फील्डिंग सेटअप लगाकर, इन्हें कैच आउट करने के लिए इस तरह का फील्डिंग सेटअप लगाया गया था, सफलता नहीं मिली है, बल्कि रिवील हो गया है कि क्या करने की वो कोशिश कर रहे थे। हार्ड मोड देखने में बहुत ही आसान लग रहा होगा इस वक्त, डाइव लगाएंगे हम लोग, बच गए हैं, रन आउट हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है इस गेम में। इस बार तो हमने इतना बहुत ही क्विक खेला था कि शॉट दिखा भी नहीं हमें,
कि कहाँ गया है, बस हमें एक जाते हुए गेंद दिखाई दी। मिशेल स्टार्क काफ़ी कंफ्यूज हैं आज के दिन मैच में। फिर से यहाँ पे डाइव लगाना होगा? जी नहीं, ज़रूरत नहीं है। जो कैमरा एंगल है वो थोड़ा सा गलत फॉलो कर रहा है, वो सही ढंग से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तीन स्लिप लगी हुई है ऊपर से, फिर से यहाँ पे गैप में जाएगा गेंद और कैमरामैन अभी भी गलत काम कर रहा है। थोड़ा ध्यान देना होगा कैमरामैन को, भाई साहब बहुत गलती कर रहे हैं। फील्डिंग देखिए बदल दी गई है, जहाँ पे हम लोग शॉट लगा रहे थे वहीं पर, अरे गलत शॉट। एक्चुअली हमने डिफेंस किया था शॉट को, लेकिन पता नहीं क्यों ये शॉट खेला इन्होंने सीधे बल्ले से खेलते हुए। सर्वाइव कर रहे हैं एक्चुअली, ये ओवर सर्वाइव कर रहे हैं विशेष स्टार्क, क्योंकि फील्डिंग सेटअप देखिए कहीं पर भी रन नहीं है। यहाँ पर देखिए हर जगह प्लेयर लगाए गए हैं, ऑफ साइड में, लेग साइड में, और सारी पूरी पूरी टीम 30 यार्ड के अंदर खड़ी थी। अब जाके थोड़ा सा गैप दिया है, पर देखते हैं फ़ायदा उठा पाते कि नहीं इसका। मिल गया है फ़ायदा, सिंगल लेंगे हम लोग। बढ़िया रन लिया है, 216 पे पहुंचा है, 215 पे पहुंचा है। मिशेल स्टार्क का सर्वाइवल चल रहा है इस वक्त, काफ़ी कंफ्यूज चल रहे हैं वो गेम में, गैप में। अरे कैच आउट हो गए हैं, अरे ऑफ साइड में खेलने का यही रिस्क होता है, चाहे आप एक्सपर्ट मोड में खेल रहे हो, इजी मोड में खेल रहे हो, मीडियम में खेल रहे हो या हार्ड मोड में खेल रहे हो, लेकिन जब भी आप ऑफ साइड में शॉट खेलते हैं, देखिए हुआ क्या है, एक्चुअली हमको दिखा भी नहीं है क्या हुआ है, कैच आउट हुए हैं ये। हेजलवुड आए हैं, मेरे को मौका मिला है पहली बार यहाँ पर खेलने का इस गेम में, सीधे बल्ले से खेल रहे हैं शॉट। हेड को मौका देना होगा मेरे ख्याल से। अब फील्डिंग सेटअप देखिए किस तरह का लगाया गया है, पीछे की तरफ जगह दी गई है। हमने कोशिश की थी परफेक्ट शॉट लगाने की, लेकिन सफलता नहीं मिली है। और वहीं पे एक जगह गैप है और थोड़ा सा ऑफ साइड में गैप है, बाकी हर जगह पैक है। सिंगल मिलेगा यहाँ पे, 13 ओवर और सर्वाइव करने, इसके बाद अभी भी एक गेंद बाकी है इसमें। 63% कॉन्फिडेंस है हेड का, लेकिन सवाल मन में यही कि क्या यहाँ पर हेड सर्वाइव कर पाएंगे ये ओवर। बढ़िया शॉट, चौके के साथ लगाए रन, ज़रूरत थी इस तरह के रनों की भी। थोड़ा बहुत दबाव बॉलर के ऊपर भी डालना बहुत ज़रूरी है, अगर वो लोग लगातार आप पे दबाव लगाएंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि 100% उनका कॉन्फिडेंस हो जाएगा और फिर स्पेशल गेंद आएगी और हो सकता है कि आपका जो सेट बैट्समैन है वो भी आउट हो जाए। सबसे अच्छी बात मुझे इंग्लैंड की टीम की ये लगी है कि तेज गेंदबाजों को करा रही है गेंदबाजी, जो कि एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन है इस मैच के लिए। गलत शॉट खेल लिया है, पर मैं इधर खेल ही नहीं रहा हूँ यार, ये शॉट उधर क्यों जा रहा है बार बार। नाथन लियोन आए हैं, जिन्होंने कल के दिन बहुत लाजवाब गेंदबाजी की थी, लेकिन शॉट सिलेक्शन में आज मार खा रही है ऑस्ट्रेलियन टीम। यहाँ पर शॉट सिलेक्ट, ये मेरा शॉट था जो मैं कब से खेलने की कोशिश कर रहा था, पर बल्ले पर नहीं लग रहा था एक बार भी। अभी भी 64 रन पीछे हैं, अभी भी 62 रन पीछे हैं, जो कि बहुत होते हैं, खास करके तब जब आपको चौथी इनिंग में रन चेस करने की बारी आती है, तब आपका 15 रन भी बहुत बड़ा होता है। यहाँ पे 60 रन के ऊपर की लीड तो इंग्लैंड के लिए विनिंग भी हो सकती है। हेड यहाँ पर खेल रहे हैं जो कि लेफ्टी बैट्समैन है, अच्छा शॉट, लेकिन फिर से वहीं जा रहा है यार, मैं उधर उस साइड नहीं खेल रहा हूँ शॉट, थोड़ा सा वाइड खेल रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ कैसा खेल रहा हूँ। हाँ देखिए ये शॉट मैं खेल रहा हूँ, ये जिस लाइन में गया ना, पर बल्ले पे नहीं लग रहा, जो शॉट खेल रहा हूँ वो नहीं लग रहा, जो शॉट नहीं खेल रहा हूँ वो लग रहा है। हाँ ये भी ठीक है, सिंगल नहीं, नहीं सिंगल 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 में ही खुश है हम लोग। 12 ओवर और सर्वाइव करना है इस मैच में, टक्कर में बने रहने के लिए यहाँ पे 12 ओवर और सर्वाइव करना है मुझे। सही में यहाँ पर इंग्लैंड के कप्तान की मैं तारीफ करूँगा कि तेज गेंदबाजों को लगातार गेंदबाजी देना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये गेम इस तरह से बनाई गई है कि स्पिनर को बीच में बॉलिंग देनी ही पड़ती है, अपोनेंट हर बार स्पिनर को देता है, लेकिन आज के मैच में इसी जैसी बड़ी टूर्नामेंट को जीतने के लिए यहाँ पर बहुत ही बढ़िया शॉट हेड का, पहले से ही वो बहुत बढ़िया फॉर्म में है, ऑलमोस्ट 79 उनका 70% के अब चला गया है कॉन्फिडेंस मीटर, और इस चीज़ का उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया है यहाँ पर। फिर से पीछे की तरफ खेला हुआ शॉट, देखना होगा प्लेयर मौजूद है कि नहीं, दो की कोशिश थी लेकिन एक बार रिस्पांस में ना बोल दिया लायन ने, तो फिर हेड ने भी बोला ठीक है कोई नहीं तुम ही खेल लोगे, देखते हैं ये सही फैसला होता है या गलत। हाल फिलहाल तो बढ़िया गैप ढूंढा है, सिंगल मिलेगा यहाँ पे, 52 रन दूर है ऑस्ट्रेलिया टीम यहाँ पर, और अगर कल के दिन आज के दिन सर्वाइव कर गए ये दोनों तो हम लोग डेफिनेटली। ओ इनसाइड एज लगी है और चौका मिला है यहाँ पर हेड को, हेड का विकेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बॉलर बहुत ही नाखुश होंगे क्योंकि
ऑलरेडी यही एक खिलाड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बना है इंग्लैंड के लिए, और इसके लिए इतना क्लोज मौका कहीं और ही खेला है शॉट, एक्चुअली अलग ही कुछ दिखा रहा है। ये देखिए क्या हो रहा है गेम में, कुछ अलग ही चीज़ हुई है गेम में, मुझे भी समझ में नहीं आई क्या हुआ है। ऑफ साइड में ही खेलूँगा मैं, क्योंकि जैसा कि आप लोग देख सकते हैं गैप बहुत बड़ा है ऑफ साइड। स्पिनर को ला दिया है, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ है। मेरे ख्याल से ये गलत डिसीजन होगा आज के दिन। और बहुत बढ़िया थ्रो, बहुत बढ़िया थ्रो, बहुत बढ़िया थ्रो। फील्डर यहाँ पे कमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कप्तानी के हिसाब से ये डिसीजन मेरे लिए तो गलत है। जब आपके तेज गेंदबाज इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इस मैच में अगर इंग्लैंड को वापसी करनी है तो स्पिनर की तरफ नज़र घुमानी चाहिए। 9 बॉल भी डाल दिए, काफ़ी बाहर रहा होगा पैर, एम्पायर ने इशारा कर दिया था 9 बॉल का। लॉर्ड्स में हो रहा है ये ग्राउंड, लॉर्ड्स के ग्राउंड में हो रहा है ये मैच। नाथन लियोन परफेक्ट शॉट, मैंने वापस भेजा है क्योंकि प्लेयर मौजूद है, मुझे पता है उधर है, तो हाल फिलहाल वापस भेजा है। फील्डिंग सेटअप बहुत बढ़िया है, पीछे ही गैप है जो गैप है, और हम लोग वहीं पे खेलेंगे क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। 2 रन नहीं, सिंगल से खुश हैं। 44 रनों की लीड है इस मैच में, इस गेम प्ले में ये लीड उतर सकती है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल हो क्या फील्डिंग किया है यहाँ पर। बहुत ही कम समय मिलता है प्लेयर को सेट होने का, लेकिन फिर भी बढ़िया फील्डिंग। चौका लगने वाला है मुझे पता है यहाँ पे, और जी हाँ 10 ओवर का खेल बाकी है। नाथन लियोन बढ़िया खेल रहे हैं यहाँ पर, उनका साथ देते हुए टीम मेट। अभी उल्टा हो गया है, थोड़ा सा गेम उल्टा हो गया, दोनों खिलाड़ी रन बना रहे हैं। जब आए थे हेड, जब लियोन आए थे तो मन में ऐसा था कि यार लियोन सपोर्टिव खेलेंगे, हेड रन बनाएंगे, लेकिन हाल फिलहाल आप देख सकते हैं कि लियोन भी काफ़ी बढ़िया खेल रहे हैं, बढ़िया फील्डिंग का यहाँ पर, नहीं तो चौका कन्फर्म था। एक तरफ से तेज गेंदबाज है, चलिए ये अच्छी बात है कि कम से कम दोनों तरफ से स्पिनर नहीं लाए, वरना ये कप्तानी को तो मैं भी बहुत ख़राब कहता। गैप में सिंगल आता हुआ, ऑफ साइड कवर है काफ़ी, और फील्डिंग यहाँ पर काफ़ी बढ़िया लगाई है कप्तान ने, क्रेडिट जाएगा कप्तान को उसके लिए। लेग साइड में खेला हुआ शॉट, 2 रन नहीं लिए हैं, एक्चुअली थे 2 रन लेकिन थोड़ा सा आलस कर गए। अगली गेंद फिर से खेला है लेग साइड में, प्लेयर के पास गई है डीप में, सिंगल से ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। हाँ लेकिन एक बात है, सर्वाइव कर रही है ऑस्ट्रेलियन टीम। इंग्लैंड यहाँ पर चाहेगी कि थोड़े रनों की लीड बनी रहे, ऐसा ना हो कि मालूम पड़े इंग्लैंड के ऊपर लीड चढ़ गई तो फिर वो इंग्लैंड के लिए नुकसान हो जाएगा मैच में। तो इंग्लैंड हाल फिलहाल यही कोशिश कर रही है कि लीड ना चढ़ने दें, ऑल आउट करें जल्दी। 9 ओवर का मौका है, आज के दिन ऑल आउट कर दे तो अच्छी बात है, तीसरे दिन उन्हें बैटिंग करने का मौका मिलेगा। और जो सबसे ख़राब दिन होते हैं, चौथे का आखिरी सेशन और पांचवा पूरा दिन, वो चला जाएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। अभी भी 9 ओवर खेल रहे हैं यहाँ पर, इंग्लैंड चाहेगी जल्दी से जल्दी बैटिंग में आए यहाँ पर और रन बनाए यहाँ पे। हम लोग चाहेंगे कि ये मैच पांचवें दिन में ज़रूर पहुँचे, क्योंकि पिछला जो मैच था वो 4 दिन में पूरा हो गया था और रियल में पांचवा दिन भी हुआ था, तो हमारी वीडियो भी एक दिन कम हो गई थी और गेम प्ले भी वन साइडेड हो गया था। एक्चुअली वन साइडेड नहीं हुआ था, बहुत रोमांचक हुआ था। जिन लोगों ने नहीं देखा वो ज़रूर देखें एक बार, हमारा पहले टेस्ट मैच का प्रेडिक्शन जो कि सही निकला था। धीरे 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 हेड यहाँ पर अपने 100% कॉन्फिडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है कि 50 के करीब पहुँच रहे हैं। रन रेट उन्होंने अपना गिरने नहीं दिया है, रन के हिसाब से 52 में 40 टेस्ट मैच में बहुत बढ़िया है, वो भी टफ सिचुएशन में जहाँ पे आपके बाकी के टीममेट्स पवेलियन जा रहे हैं। पर सबसे ज़्यादा जो सरप्राइज़ किया है, जैसा कि हर बार होता है ऑस्ट्रेलियन टीम में, कभी मिचेल स्टार्क आके खेल जाते हैं, कभी नाथन लियोन खेल जाते हैं, कभी हेजलवुड खेल जाते हैं, कभी कमिंस खेल जाते हैं, आज के दिन लियोन ने, नाथन लियोन ने यहाँ पर पारी को संभाला है और बहुत बढ़िया तरीके से। 16 गेंदे 24 रन, अभी भी गैप दिख रहा है मुझे लेग साइड में, अभी भी मुझे गैप दिख रहा है। सिंगल ही मिलेगा, स्ट्राइक रोटेट होगा, देखना होगा हेड 50 कर पाते हैं कि नहीं। श्रीलंका वर्सेज न्यूजीलैंड का भी गेम प्ले हमने डाला है, और वो गेम प्ले भी आपको बहुत बढ़िया लगेगा अगर आप क्रिकेट को पसंद करते हैं, तो गेम प्ले भी बहुत पसंद आएगा। थोड़ा सा रिस्की रन लिया है, लेकिन इसी रिस्की रन की बदौलत 50 रन लगाए हैं कप यहाँ पर हेड ने। सेलिब्रेशन क्यों नहीं हुआ, ये आता हुआ सेलिब्रेशन यहाँ पर। 53 गेंदों में 50 रन, 3 चौके 1 छक्के, काफ़ी बैलेंस पारी खेली है, सिर्फ 18 रन बनाए हैं चौके छक्के से, बाकी के सारे रन इन्होंने दौड़ दौड़ के, बेचारों ने मेहनत करके रन बनाए हुए हैं। 2 रन का फिर से रिस्क लिया है हमने,
पर इस बार आसानी से पहुंच जाएंगे। ओवर पूरा होता हुआ, स्पिनर का फैसला बहुत गलत है कप्तान, बहुत ज़्यादा गलत है एक्चुअली, गलत नहीं बहुत गलत। 17 रन सिर्फ रह गए हैं ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे लीड उतारने में, और मुझे नहीं लगता है कि कोई अभी हाल फिलहाल ऑस्ट्रेलिया को रोक सकता है जिस तरह से दोनों खेल रहे हैं ना। यहाँ पे मौका है, यहाँ पे मौका है और आउट हो गए। अभी हम बात ही कर रहे थे कि कोई मौका नहीं है, हमने थोड़ी सी जल्दबाजी की है गलत शॉट सिलेक्शन के बाद, गलत कॉल देके, और यहाँ पर रन आउट होते हुए इंग्लैंड इसी सफलता की तलाश में था। नाथन लियॉन बहुत गुस्से में, इतना बढ़िया खेल रहे थे, 3 चौके लगा चुके थे, इतने बढ़िया रन रेट से खेल रहे थे, लेकिन इस समय इस मैच को एक और रोमांचक मोड़ मिल गया इस विकेट के गिरने के बाद। देखना होगा किस तरह से अप्रोच करते हैं अब हेड, 100% उनका कॉन्फिडेंस होने वाला है, 90 पे हैं, लेकिन फील्डिंग सेटअप देखिए कितना भयंकर फील्डिंग सेटअप लगाया गया है। सिंगल मिलेगा यहाँ पे, 7 ओवर का खेल बाकी है, उनके मन में यही सवाल होगा कि ऑस्ट्रेलिया अगर 7 ओवर भी खेल जाती तो कम से कम 30-40 रन की लीड तो ले ही लेगी इस मैच में, अगर खेल गई तो। 2 रन का रिस्क लिया है क्योंकि प्लेयर बहुत हाफ पे खड़ा है, लेकिन सफलतापूर्वक पूरा किए रन। रनआउट एक बार फिर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन के आया है, जैसा हर बार होता है, हर बार हमारे साथ ये हुआ है, हर बार हम ये गलती कर जाते हैं शुरू में, खास करके चौका होगा कि 2 रन हो गए, जी नहीं वापस भेजा है, सिंगल से खुश हैं। 7 ओवर का खेल बाकी है, पैट कमिंस अभी भी बैटिंग में है। मैं बात कर दूँ तो भाई पैट कमिंस रियल लाइफ में नहीं होंगे, रियल मैच में नहीं होंगे, क्योंकि उनको रेस्ट दिया गया है तो उनकी जगह कोई और होगा, लेकिन हमारे पास वो प्लेयर थे नहीं इस गेम में, पीटर सिडल नहीं थे हमारे पास, तो हमें पैट कमिंस को ही टीम में देनी पड़ी जगह। बहुत बढ़िया फ्लिक शॉट, सिंगल के अलावा हम लोग रुकेंगे यहाँ पे, 6.5 ओवर से भी कम का ओवर बाकी है, 32 गेंदें लगभग बाकी हैं यहाँ, 32 नहीं 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 भैया नहीं, इस तरह की गलती नहीं करनी हमको, 39 गेंदें बाकी हैं, लेग साइड में गैप है, 4 स्लिप लगा दी गई है, अरे बाप रे, और चौका लगा दिया यहाँ पर हेड ने, 57 पे पहुँच गए हैं, कॉन्फिडेंस उनका धीरे धीरे ही सही, लेकिन 96 पे पहुंच गए, एक और बाउंड्री और फिर वो 100% पे पहुंच जाएंगे, और मेरे ख्याल से यहाँ पे एक और बाउंड्री लगेगी। थोड़ी बहुत फील्डिंग सेटअप की गलती इंग्लैंड को भारी पड़ रही है, ये जो बड़े बड़े गैप खोले हैं ना ये नुकसान कर रहा है इंग्लैंड को, कोई ज़रूरत ही नहीं है इतने बड़े बड़े गैप देने की, क्यों दे रही है गैप, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस बात को। अभी भी दिया हुआ है, मैं अभी तो सिंपल ही क्रिकेट खेलूँगा, डाइव लगाऊंगा, यहाँ पे बच गए हैं एक्चुअली, क्योंकि कैमरामैन जो है वो आलस कर रहा है काम में। ईश्वर ब्रॉड को बुला दिया गया, स्पिनर को हटा दिया गया, मैं बड़े शॉट की तैयारी कर रहा हूँ ऑफ साइड में, परफेक्ट शॉट लगाया और ये गेंद जाएगी 6 रनों के लिए, हेड की बहुत बढ़िया 6। इसी के साथ अब लीड चढ़ेगी इंग्लैंड के ऊपर, अभी तक तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर ट्रायल कर रही थी, अब ऑस्ट्रेलिया लीड करेगी यहाँ पर इस मैच में। बढ़िया 6 लगाया है, फील्डिंग सेटअप काफ़ी फैला हुआ है, ऑफ साइड में तो काफ़ी कम चांस है रन बनाने के, हम लेग साइड के ऊपर नज़र करेंगे, और एक और चौका, लीड बढ़ना चालू हो गया इंग्लैंड के ऊपर, ये बात ध्यान रखनी होगी इंग्लैंड को, यहाँ पर इंग्लैंड के ऊपर लीड चढ़ रही है, इंग्लैंड यहाँ पर नुकसान में रह सकती है, कोशिश करनी होगी उन्हें अब ऑस्ट्रेलिया को जल्दी से जल्दी आउट करने की, क्योंकि ये लीड अब बढ़ेगी। एक और चौका, एक और नाकामयाब कोशिश, इंग्लैंड के खिलाड़ी बहुत ही ज़्यादा हताश दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा निराश दिख रहे हैं, क्योंकि एक समय था यहाँ पर जब हम लोग बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के सर्वाइवल की, और अभी हालात ये हो गए कि इंग्लैंड की इस मैच में हालत ख़राब हो गई। एक और चौका यहाँ पर, मैंने पहले ही कहा था कि हेड यहाँ पर तुरुप का इक्का बन सकते हैं, और वही हो रहा है यहाँ पर, एक बंदा जिसका कॉन्फिडेंस मीटर हाई था, जिसकी रैंकिंग रेटिंग एज अ बैट्समैन काफ़ी ठीक ठाक थी, कोई बहुत हाई नहीं थी, अगर डेविड वार्नर और पता नहीं कौन कौन होता तब क्या हालत होती। 300 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के, देखा जाए तो कोई बहुत बढ़िया रन नहीं है टेस्ट मैच में, लेकिन अभी की सिचुएशन में ये मैच विनिंग रन हो सकते हैं। यहाँ पे 30 रन की लीड, मैंने पहले ही कहा था कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर 64 रन पीछे हैं, 64 के आसपास पीछे थी, तब मैंने बात की थी कि 30-40 रन की लीड भी विक्ट्री हो सकती है यहाँ पर, विनिंग हो सकती है, और यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है ऑस्ट्रेलिया की इस मैच में पकड़ बनाने की। हम बात करें रियल मैच की तो मैं बता दूँ आपको कि इंग्लैंड
अब इतनी कमज़ोर नहीं रहेगी। पहले टेस्ट मैच में उसने कुछ गलतियां की थी खास करके बॉलिंग में, तो वो अब सेकंड में नहीं दोहराएगी। यहाँ पर 9 विकेट गंवा चुकी है। बेन स्टॉक्स आए हैं यहाँ पर, ऑफ साइड में थोड़ा बहुत गैप है। एक्चुअली अब मैं भी थोड़ा बहुत सैड हो गया है, मेरा हाथ भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो मैं गलतियाँ कर रहा था रनआउट वाली वो अब नहीं होंगी, क्योंकि बीच में जो गैप था मैंने एक भी टेस्ट मैच नहीं खेले थे। और WCC2 में हम लोग ऐसे भी टेस्ट मैच लगभग ना के बराबर खेलते हैं। एक और चौका लगेगा, नहीं नहीं सिंगल लगा है यहाँ पर, एक्चुअली 2 आ जाता पर मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि नहीं होगा कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अगली गेंद इस बार प्लेयर के हाथ में गई, डाइव लगानी पड़ेगी प्लेयर को, पहुंच गए हैं। 6 की तैयारी हो रही है इस बार, अगर अच्छी गेंद आई और या फिर हाँ भैया लगाएंगे 6 लगाएंगे, लेग साइड में लगेगा 6 इस बार, नहीं ऑफ साइड में लगाते हैं। काफ़ी कंफ्यूजन रहा है और इसी कंफ्यूजन में मिस कर गए हम लोग, इसी कंफ्यूजन में लेफ्ट में मारे, राइट में मारे, लेग में मारे, ऑफ में मारे, इसी कंफ्यूजन में हम लोग गड़बड़ कर गए। दिन सर्वाइवर की बात करें भाई, बन गया है दिन ये अब ऑस्ट्रेलिया के नाम। 28 रनों की बड़ी लीड ले ली है इन्होंने, बड़ी लीड इसलिए क्योंकि इस पिच पे इंग्लैंड का जैसा परफॉर्मेंस रहा है पहले मैच में, पहले इनिंग में, इंग्लैंड को उससे लगभग बहुत बढ़िया परफॉर्म करना होगा। स्पिनर पे भरोसा दिखा रहे हैं, 4 ओवर का खेल बाकी है, मुझे नहीं लगता है कि स्पिनर यहाँ कुछ कमाल कर पाएंगे। सिंगल निकाला, 23 गेंदें बाकी हैं। कल के दिन भी यही हालात थे, कल के दिन भी यही हालात थे, लेकिन फ़र्क ये था कि इंग्लैंड के ये हालात थे और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे ऑल आउट करने की कोशिश कर रही थी। आज बिल्कुल उल्टा है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर डिफेंड कर रही है, इंग्लैंड ऑल आउट की कोशिश कर रही है। एक दिन से भी कम के समय में हालात देखो कैसे बदल जाते हैं। और ख़ास करके क्रेडिट जाएगा हेड को, जो कि 100 के करीब पहुँच रहे हैं, ये बहुत ही लाजवाब इनिंग कहलाएगी। एक और चौका लगेगा, लगभग 2 की कोशिश की है, 93 पे पहुँच गए हैं। आज के दिन इतने ओवर हैं, इतनी गेंदें हैं कि ये 100 कर सकते हैं आज के दिन, ये कंफर्म है। देखना होगा किस एटीट्यूड के साथ खेलते हैं। बढ़िया चौका लगेगा यहाँ पे, प्लेयर के नज़दीक से गई है, इसी के साथ 97 रन्स पे पहुँच गए हैं। हर बार एक प्लेयर को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, ये बात मैं हर बार कहता हूँ और आज भी ये बात रिपीट करूँगा कि यहाँ पर हेड ने जो जिम्मेदारी ली है और जितना साथ लियोन ने दिया इनका और फिर कमिंस दे रहे हैं, वही इनकी सेंचुरी का क्रेडिट होगा। ख़राब फील्डिंग और ख़राब फील्डिंग ने यहाँ पर सेंचुरी पूरी करवा दी हेड की, और क्रेडिट पूरा जाएगा हेड के ऊपर, जो लाजवाब सेंचुरी के साथ यहाँ पर दिखा दिया है कि ऑस्ट्रेलियन टीम अभी हार नहीं मानी है। शुरुआत हुई थी ऑटो प्ले की, तो एक समय लगा था कि यहाँ पर डे बचाना मुश्किल होगा, 50 रन 40 रन की लीड होगी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, लेकिन हाल फिलहाल बिल्कुल उल्टे हालात हैं। ऑस्ट्रेलिया लीड दे रहा है इस वक्त, अभी भी 3 ओवर बाकी हैं और जिस तरह से खेल रहे हैं मुझे लगता है कि लीड बढ़ेगी। 44 रन की लीड ऑलरेडी दे चुके हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ पर फिर से लेग साइड खेला है, 2 रन नहीं लेंगे, 1 से खुश हैं। बहुत ही बढ़िया बैटिंग हेड ने, अभी अभी सेंचुरी पूरी की है। ऑफ साइड में गैप है लेकिन हम लोग लेग साइड पे ही खेलेंगे क्योंकि लेग में ज़्यादा बढ़िया गैप है। बहुत ही क्विक शॉट, ले सिंगल लेने में देरी कर दी है मैंने, ये क्या किया है, और ये बहुत दूरी से रन आउट हुए हैं, लैग भी हुई है गेम। दिन खत्म होते होते यहाँ पर एक हल्का सा कुछ हुआ था, टच ने फिर से रिस्पांस नहीं दिया था हमारे। अब लगता है मुझे गेम से ज़्यादा मेरे टच का प्रॉब्लम हो गया है मोबाइल में, ये दूसरी बार ऐसा हुआ है। हम लोग रियल क्रिकेट 19 भी खेल के बैठे हैं अभी भी थोड़ी देर पहले, वहाँ पर भी थोड़ा बहुत टच रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। यहाँ पर ये देखिए काफ़ी बड़ी गलती की थी, रिटर्न कराने का मौका नहीं दिया था। लेकिन एक बात है कि इस मैच में हेड ने आउट होने से पहले ऑस्ट्रेलिया को लीड दिला दी है और ये लीड मैच विनिंग भी हो सकती है। गेंदबाजी में हम उतरेंगे, मैं पहले ही बता दूं स्पिनर पे मेरा ज़्यादा भरोसा है इस टेस्ट मैच में, मैं स्पिनर से ही गेंदबाजी कराऊंगा अगर ज़रूरत पड़ती है तो। हो सकता है एक तरफ से स्पिनर को, तेज गेंदबाज को भी ले आऊं, लेकिन जिन लोगों को पिछला मैच याद हो मैं आपको बता दूं, नाथन लियोन 2 विकेट ले गए थे 2 ओवर में। नाथन लियोन ठीक यही हालात थे, हमने शुरुआत की थी, बोल्ड किया था इनको, इनको एलिस्टर कुक को 2 ओवर डालने हैं इनको, देखना होगा किस तरह से करते हैं। ऑस्ट्रेलिया हाल फिलहाल 45 रन की लीड के साथ है इस मैच में और पहली इनिंग पूरी हो गई है दोनों टीमों की, और इंग्लैंड यहाँ पर कोशिश में है कि कम से कम यहाँ पर अब स्कोर कार्ड में 300 रन तो कम से कम दे, 300 भी नहीं 300 भी कम है,
कम से कम 400 रन, यानी आज के दिन तो बैटिंग करेगी करेगी, कल का पूरा दिन और परसों का पूरा दिन में से कम आधा दिन बैटिंग करें, तब जाके इस मैच में कुछ बात बनेगी इंग्लैंड के लिए। अपील नहीं हुई है, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, साइड चेंज कर रहा हूँ मैं, इस सही डिसीजन या गलत वो तो अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा, लेकिन हाल फिलहाल मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है राउंड द विकेट आना। बढ़िया रन यहाँ पर शुरुआत हुई है, 44 रन आगे रह गई है ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर, दोनों लेफ्टी हैं, सही बात है, तो ये एंगल सही है, ये एंगल बढ़िया बन रहा है, अंदर की तरफ भी बन रहा है। दूसरी बात कि राउंड द विकेट में ज़्यादा आसान रहता है लेफ्टी के सामने गेंदबाजी करना, मैं दोनों तरफ से स्पिनर चलिए उस्मान ख्वाजा को देते हैं, आज हम आराम कराएंगे तेज गेंदबाजों को, ऐसे भी 6 गेंदे बाकी हैं, अब देखते हैं अगर विकेट मिल जाता है तो सरप्राइज़ होगा हमारे लिए, लेकिन मेरे लिए आज के दिन की जो टीम रही है ऊपर हैंड, जिसका अपर हैंड रहेगा, जिसका हाथ ऊपर रहेगा, वो होगी ऑस्ट्रेलिया टीम। अभी तक 43 रनों की लीड लेके बैठी है इस मैच में, और तीसरा दिन कल चालू होगा, चौथा दिन भी है हमारे पास। मैंने पहले ही कहा था कि बोल्ड कर चुके हैं हमारे गेंदबाज इस पिच कंडीशन पे, ग्रीन पिच है कहने को, लेकिन इंग्लैंड यहाँ पे बहुत ही ख़राब खेल रहा है। क्या शॉट खेला है ये यार, ये क्या शॉट खेला है आपने, गेंद नीचे रह गई है वो बात अलग है, लेकिन किस तरह का घटिया परफॉर्मेंस दिया है यहाँ पर स्टॉन मैन ने। अगर मैं होता इंग्लैंड की टीम में तो इनको सबसे पहले निकालता, बहुत ही ख़राब शॉट। पिछली बार नाथन लियोन 2 विकेट चटक गए थे, यहाँ पर उस्मान ख्वाजा हमारे पार्ट टाइम बॉलर चटक गए विकेट, और अभी इंग्लैंड के ऊपर अभी भी लीड है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या होगा इस मैच में, किस तरह से खेलेगी, कहना बहुत मुश्किल है इस मैच में। बढ़िया शॉट चौके के साथ यहाँ पर लग चुका है पहला चौका, 2 गेंदे बाकी हैं। जो रूट बहुत बड़ी उम्मीद है इंग्लैंड की इस मैच में, आप कह सकते हैं कि अगर जो रूट टिक जाते हैं चौथी इनिंग में तो बहुत कुछ हो सकता है इंग्लैंड के नज़रिए से। 39 रन अभी भी पीछे है, बढ़िया शॉट दूसरी बाउंड्री लगती है जो रूट के बल्ले से, जो रूट के बल्ले से निकलता हुआ एक और शॉट, एक और 4 रन। उस्मान ख्वाजा भले महंगे साबित हो गए, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी भी प्लस पॉइंट उस्मान ख्वाजा के साथ है, क्योंकि बड़ा विकेट उन्होंने ओपनर का लिया है यहाँ पर अभी भी। जी हाँ, ओवर ख़त्म होता हुआ यहाँ पर 10 रनों पर 1 विकेट, 1 झटका दे ही दिया है 2 ओवर में, और तीसरा सेशन यहाँ पे पूरा होता हुआ डे 2 का, और इसका मतलब है कि स्टंप्स होंगे डे 2, और ये है स्कोर कार्ड। हुआ था ये 269 पे 9 विकेट गिर चुकी थी इंग्लैंड की, शुरुआत की ज़्यादा रन नहीं 15 रन जोड़ पाई और आखिरी विकेट गिर गया, उसके बाद बैटिंग आई ऑस्ट्रेलिया की। पेनक्रॉफ्ट ने ज़बरदस्त शुरुआत दिलाई, हेड ने लोअर एंडर के बैट्समैन के साथ टेल एंडर्स के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया को लीड की पोजिशन में पहुँचाया है, और हाल फिलहाल 35, 34, 33 के आसपास की लीड है ऑस्ट्रेलिया के पास इस मैच में। सबसे बड़ा सरप्राइज रहा है उस्मान ख्वाजा, जिनको एक ओवर दिया गया था ऐसे ही करने के लिए, खाली आखिरी ओवर था इसलिए, और उन्होंने स्टॉन में इनको पवेलियन भेज दिया था। देखते हैं डे 3 में क्या होता है, हालात इस समय दोनों टीम के बराबर कह सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया हल्का सा एज में है क्योंकि लीड अभी है उनके पास, चौथी इनिंग में उनको बैटिंग करनी है, ये उनका नुकसान है, और अभी की लीड उनका प्लस पॉइंट है, तो देखते हैं क्या होता है मैच में आने वाले समय में, लेकिन अभी के लिए लेना होगा आप लोगों से विदा, और जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना सपोर्ट प्यार हमारे वीडियोस और चैनल को देते रहिए। हमारी जर्नी जो है वो ऑलमोस्ट 100K के करीब है, आप लोगों के सपोर्ट, आप लोगों के सब्सक्राइब और लाइक के कारण ही हो पाया है पॉसिबल, और इस माइलस्टोन को पूरा करने के लिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो अगर सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत मदद होगी, बहुत अच्छा भी लगेगा। तो लेते हैं अभी के लिए विदा, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।